ओके गाइस, तो पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी दिखा चुका था Realme C3 के लिए टेम्पर्ड ग्लास। अब ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे Realme C3 के लिए एक कैमरा ग्लास, जो ऑलरेडी मैं बात कर चुका था अपनी वीडियो में। तो यहाँ पर फोन को इस तरीके से रख देते हैं। ओके, और ये है कैमरा ग्लास gearwale.com की तरफ से, जैसे कि टेम्पर्ड ग्लास था। इसको इसमें से बाहर निकालते हैं, ये कुछ कैमरा ग्लास कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। अब क्यों ये ज़रूरी है, तो देखो, अब पहले कैमरा ऐसा नहीं होता था, पहले कैमरा फ़ोन के अंदर घुसा हुआ होता था बढ़िया से। अब क्या होता है, फ़ोन से बाहर निकला रहता है 1 mm, तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। इस पे भी स्क्रैच लगता है, ये क्रैक भी हो जाता है। तो ये ग्लास जो है एक तरह का टेम्पर्ड ग्लास है और ये आपके कैमरा को इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। बॉक्स के अंदर आपको 2 वाइप भी मिलते हैं, जिनको मैंने पहले ही फाड़ के निकाला हुआ है, तो मैं सीधे जो है उनका इस्तेमाल करता हूँ और कैमरा ग्लास को बढ़िया से क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, सो कैमरा ग्लास क्लीन जब हो जाए, एक क्लीन हो गया, उसके बाद दूसरे से इसको सुखा देना है। तो जब कैमरा ग्लास क्लीन हो जाए, दैट मीन्स कि आपका फ़ोन जो है अब रेडी है कैमरा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे क्लीन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको क्लियरली इस पर से हटाना है और याद रखना, इसके नीचे वाले हिस्से पर अपना फिंगरप्रिंट मत हटाना, वरना क्या होगा, इसका ग्लू खराब हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सिंपली यहाँ रखना है और यहाँ रखना है और ये लो। ओके, हो गया। अरे हो गया, हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि कैमरा ग्लास कितना अच्छा लग रहा है और फोन की जो प्रोटेक्शन है वो भी बढ़ गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स और भी देखने के लिए या फिर Realme C3 के कवर की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ये कैमरा ग्लास थोड़ा सा जो है ऊपर और नीचे छोटा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी सेफ्टी जो है पूरी की पूरी हो जाएगी उससे। ठीक है, सो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, क्योंकि यहाँ पे Realme C3 की और भी ढेर सारी वीडियोस आते रहेगी।